कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है, वैक्सीन बनाने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी ना निकले। हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। सभी लोगों और सरकारों को संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी उपायों को अपनाएं। फेस मास्क को दुनिया भर में एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए। कई वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं। हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कई वैक्सीन लोगों को संक्रमित होने से बचा लेंगे। हालांकि इस वक्त इससे बचने का कोई उपाय नहीं है और हो सकता है कि कभी न मिले। दुनिया भर में 1,81,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से प्रभावित हैं और करीब 6,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ग्रेबेसिस और संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रियान ने सभी देशों से स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।